स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। नवनिहालों की आहार से हो रहा खिलवाड़, लाहौल में चली है महिलाओं की बादशाहत। नौसेना दिवस से पूर्व सेना ने किया बीटिंग द रिट्रीट। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ इस अंदाज में की अपनी शादी की होस्टिंग। बिल्डर के ऑफिस में नकाबपोश बदमाश बरसाने लगे गोलियां, वारदात के बाद हुए फरार। अब खबरें विस्तार से। जशपुर, न जाने दोष किसका है, लेकिन यह नौनिहालों को उचित भोजन नसीब नहीं हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्कूल सहायता समूह पर तो भोजन बनाने वाले रसोई स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगा रहा है, लेकिन इस सबके बीच मासूम पौष्टिक आहार के अभाव में जी रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में महिलाओं की बादशाह चलती है। यहाँ हर मोर्चे पर बेटियों, बहुओं और माताओं की धाक है। लाहौल के एक गांव में कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें लाहौली महिलाएं खेल के खूब दाव पेच दिखा रही है। मुंबई, नौसेना दिवस से पहले सेना ने बीटिंग द रिट्रीट की रिहर्सल की। अलग अलग त्योहारों और अवसरों पर रंगों की रोशनी से सराबोर होने वाले गेटवे ऑफ इंडिया की खूबसूरती में एक बार फिर नौसेना के भव्य समारोह ने चार चांद लगा दिए। बॉलीवुड की सितारा प्रियंका चोपड़ा और हॉलीवुड के निक जोन्स का विवाह हिंदू रीति रिवाज के साथ रविवार रात को संपन्न हो गया। शादी में आए देसी और विदेशी मेहमानों के सामने उन्होंने हिंदी रीति रिवाज से एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया। जोरदार तरीके से हुए इस आयोजन में कई लोग शामिल हुए। फेरों से पहले प्रियंका खुद एक फिल्मी कलाकार की तरह एंकरिंग करती नजर आई। बाहरी दिल्ली के नरेला एरिया में एक बिल्डर के ऑफिस पर फायरिंग हुई। नकाबपोश बदमाश ने दो राउंड फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।